नमस्कार, मैं हूं ज्योति बघेल। बीवीएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं फरीदाबाद की। आज के दौर में महिलाएं किसी से कम नहीं है और उन्हें कमजोर समझना किसी पर भी भारी पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला सेक्टर 23 की मार्केट में देखने को मिला, जब मार्केट में जॉब करने वाली एक युवती जूस की दुकान पर जूस पी रही थी तो दो मनचलों ने उस पर फफ्तियां कसनी शुरू कर दी, जिसके बाद युवती ने पुलिस को फोन कर दिया और उन मनचलों के पास जाकर जब पूछा कि ऐसी हरकत करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई तो उन युवकों ने उस युवती पर हाथ उठा दिया, जिसे देखकर कुछ लोग सामने आए तो एक युवक भाग गया जबकि एक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मार्केटिंग करती हूँ और मैं संजय कॉलोनी में भी स्कूल के पास मैं वैसे जूस पी रही थी और लड़के मेरे पे कमेंट करके जा रहे थे। फिर मैंने उन्हें उसे बोला बुलाया बुला के पूछी कि हाँ क्यों, मतलब क्या बात है, तुम मुझे जानते हो, क्यों मतलब कमेंट कर रहे हो। उसने मुझे वो एक को मैंने मारा, उसने दो एक ने मेरी हाथ पकड़ी, दूसरे ने मुझे मारा, एक तो भाग गया, दूसरा अभी आया है। कितने लोग थे? दो। तो सड़क पे आपको मार रहे हैं, किसी लोग आम लोगों ने नहीं बचाया आपको? नहीं, आए थे दो तीन लोग, आए फिर पकड़ के उसे पकड़े तो एक तो पकड़ में आ गए और एक भाग गया। हिराखानी का कोई मामला सामने आया था क्या? था महिला ने बताया है कि जी मैं जूस पी रही थी और ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे को देख के और गाने गाने लगे और कमेंट से करने लगे हैं। तो इन्होंने फिर कंट्रोल 112 फोन किया है, मौके पर पहुँचे, वहाँ देखा, इस मैडम से बात करी, मैडम ने बताया कि हमें इसको मेरे साथी थे उनने आके इनको घर पे ले आया। इसके बाद फिर हम मैडम से पूछताछी करी है, उनका फिर से क्या फिर उन्होंने बताया जी अपना छेड़खानी कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। भरी मार्केट में महिला के साथ मारपीट भी किया, सर कितना उचित मानते हैं आप? नियर बीपी स्कूल है जी, नियर बीपी स्कूल है ठीक है। उनको एक बंदा तो ये बता रहे हैं कि वहाँ से चला गया, एक बंदा है, ये एक बंदा मिल आया, इसको हम अपने साथ ले आए हैं, संजय कॉलोनी भी में ले आए हैं। आई जो है अपना क्या नाम है, कब सूचना मिली थी आपको 112 पे सूचना मिली थी, वो कब मिली थी सर आपको? वो कितना टाइम देखना, तो देख के बताना पड़ेगा। वो मिली थी 3:03 पे मिली थी।